खबरों की नई दुनिया न्यूज ट्यूबर हिंदी। निकिता, नीतू, प्रिया, चंचल, मानसी, तनिष्का, सोनी, शिवानी, दीक्षा, बबली, रानी, वर्षा, एकता, खुशी, अंतिमा, हिना की इस फेरिश्त में एक नाम और जुड़ गया, श्रद्धा। ये सब की सब जो है ना, शिकार हुई है लव जिहाद की। सोच लीजिए, सवाल तो उठता है, क्या श्रद्धा सच में लव जिहाद की शिकार हुई है? लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिस पर आए दिन चर्चा होती रहती है। क्या लड़कियां इसमें फंस रही हैं? क्या हिंदू लड़कियां इसमें फंस रही हैं? सवाल तो कई सारे हैं। या फिर श्रद्धा अपने प्यार में नाकाम साबित हुई? उसने ऐसे लड़के से प्यार किया जो उसके काबिल नहीं था। आफताब ने श्रद्धा को वहां पहुंचा दिया जहां वो नहीं जाना चाहती थी। वो आफताब के साथ रहना चाहती थी। आफताब ने उसके 35 टुकड़े कर दिए। 35 टुकड़े 18 दिन तक फ्रिज में रखा और रात के अंधेरे में आफताब श्रद्धा के उन टुकड़ों को सुनसान जगह पर फेंक कर आता था। बारी बारी वो टुकड़ों को फेंक रहा था। आफताब को लगा कि कोई उसके जुर्म को नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला उसका जुर्म देख रहा था और बहुत जल्द उसके इस जुर्म से पर्दा उठ गया। और जब पर्दा उठा तो दुनिया सकते में रह गई। जिसने इस कहानी के बारे में सुना वो हैरान रह गया। दिल्ली की इस कहानी से लोग दहशत में आ गए कि कोई लड़का जिससे इतना प्यार करता है, जिससे इतनी मोहब्बत करता है, उसके साथ ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है। दिल्ली के छत्रपुर का ये वाक्या काफ़ी चौंकाने वाला साबित हुआ है। 28 साल के आफताब पूनावाला ने 29 साल की श्रद्धा वॉकर को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसके साथ श्रद्धा लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। श्रद्धा आफताब के साथ शादी करना चाहती थी। खबरें ऐसी हैं कि श्रद्धा आफताब को शादी के लिए दबाव बना रही थी। आफताब से शादी करने की उन्हें जल्दी थी और आफताब उनसे शादी नहीं करना चाहता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। इन दोनों की मुलाकात अब से 6-7 महीने पहले मुंबई में हुई थी। तभी से इनकी लव स्टोरी पनपी थी। श्रद्धा का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। तब ये दोनों दिल्ली आकर रहने लगे। दिल्ली के छतरपुर में दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन किसे पता था मोहब्बत के इस रिश्ते का इतना बुरा अंजाम होगा जिससे हर कोई खौफजदा हो जाएगा। इस कहानी का ऐसा अंत होगा। पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कस्टडी में आफताब से पूछताछ हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है आफताब अपने बयान बार बार बदल रहा है। पुलिस उन जगहों पर भी जा रही है जहां उसने श्रद्धा के टुकड़ों को फेंका था। 35 टुकड़े श्रद्धा के और उसकी अंतिम कहानी। आफताब ने श्रद्धा के साथ अच्छा किया या बुरा, ये दुनिया बता रही है। कोई कह रहा है ये बहुत दर्दनाक है और कोई कह रहा है कि ये लव जिहाद है।